हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रीमा है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे फूफा जी दिल्ली में रहते हैं और वहीं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। मेरे फूफा की भी एक बेटी है जो कि मेरी ही उम्र की है। मैं गांव में ही रहती हूँ और गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई करती हूँ। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं। मेरी माँ आंगनबाड़ी में काम करती है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मेरे घर में मेरे दादा और दादी जी भी हैं। दोस्तों, मैंने कभी भी क्रिकेट नहीं खेला था। मेरे फूफा ने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलने का पहली बार उद्घाटन किया था और मेरी मस्त वाली पिच पर दो दिन तक तोड़फोड़ करते रहे और फिर इसे खेलने योग्य बनाया। हालांकि क्रिकेट खेलते समय मुझे बहुत तकलीफ भी हुई क्योंकि पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। दोस्तों, कैसे मेरे फूफा ने मेरी मस्त वाली पिच का उद्घाटन किया, जिसे सुनकर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, कहानी दिवाली के दिन की है। मेरे फूफा जी दिवाली के तीन दिन पहले ही आए थे। मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटल में दाखिल थे। दादाजी का हालचाल पूछने के लिए वो कुछ दिन पहले ही आ गए थे। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हॉस्पिटल में दादाजी के पास सिर्फ मेरी दादी थी और मम्मी पापा दोनों ही घर आ गए थे क्योंकि दिवाली के एक दिन पहले घर में पूजा पाठ सही तरीके से हो जाए। पर दिवाली के एक दिन पहले ही शाम को फोन आया कि दादाजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही हॉस्पिटल चले गए। मैं घर में अकेली थी तो पापा मम्मी ने फूफा जी से कहा कि आप रुक जाइए दो दिन के लिए क्योंकि घर में लड़की अकेली है और जमाना भी खराब है। एक जवान लड़की को घर में अकेले छोड़ना अच्छी बात नहीं है। पर मेरे मम्मी पापा, शायद उन दोनों को क्या पता कि जिसको मेरी रक्षा के लिए घर पर रख रहे हैं वही मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा और दो दिन तक मुझे अपनी बाहों में सुलाएगा और पिच पर क्रिकेट खेल खेल कर मेरा बैंड बजा देगा। शाम को घर में मैं और मेरे फूफा जी ही थे। हम दोनों के सिवा और कोई भी घर पर नहीं था। शाम को उन्होंने ही खाना बनाया और हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। पर मैं नहीं जानती थी कि फूफा के मन में क्या चल रहा है। फूफा जी बड़े ही अच्छे इंसान हैं और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने काफी लोगों की मदद की भी है। मैं और फूफा आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तो मैं उनको पूछने लगी कि इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वो समझाने लगे कि पहले एंट्रेंस एग्जाम दो, फिर पास करो और फिर अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तो मैंने फूफा से कहा, मेरा तो बहुत अच्छे से पढ़ने का मन करता है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर शायद मैं कभी भी बाहर जाकर नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरे पापा मुझे बाहर नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने कहा, मैं करूंगा तुम्हारी मदद, मैं दूंगा पैसे और मैं करवाऊंगा तुम्हारा एडमिशन, तुम परेशान ना हो। इतना सुनते ही मेरी थुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने एक गलती कर दी। थुशी के मारे में उनको गले लगा लिया। जब गले लगा लिया तो एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया क्योंकि गले लगाते वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा। इसका मतलब ये था कि उनकी निगाहें पहले से ही मेरे प्रति खराब हो गई थी। तो मैं अपने कपड़े ठीक करने लगी क्योंकि मेरे दोनों गहने मेरे कपड़े के ऊपर से आधे आधे दिखाई दे रहे थे। पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम बहुत हॉट हो। मैं शर्मा गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम अगर मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, आगे चलकर ऐश करोगी जिंदगी में, मैं तुम्हें खर्चे दूंगा, मैं पराऊंगा और फिर मस्त तरीके से तेरी शादी भी करवाऊंगा जो लड़का विदेश में रहता हो। तुम जहाज से विदेश जाओगी और खूब मजे करना अपने पति के साथ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा, अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं भी तुम्हें भी खुश करूंगा। दोस्तों, मैं फूफा की बातें सुनकर बहक गई, फिसल गई और उसकी बातों में आ गई। मैं मना नहीं कर पाई और मैं चुपचाप रही। तब तक उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं भी खुद को नहीं रोक पाई और फिर मैं उनके और करीब चली गई।
बाहर पटाखों की आवाज आ रही थी और इधर मेरे तन बदन में आग लग गई थी क्योंकि मैं किसी मर्द की बाहों में पहली बार थी और वो भी जवानी की शुरुआत में। अभी जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था मैंने। फिर उन्होंने मेरे बालों को सहलाया और मैं भी शर्माती हुई धीरे धीरे ही सही पर साथ दे रही थी। मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। मैं सिस्कारियां और अंगड़ाइयां लेने लगी। अब मैं बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। मैं फूफाजी को बोली, जो करना है कर लो, पर मुझे आगे बढ़ाओ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, अब तुम कुछ भी नहीं सोचो, तुम्हारा काम हो गया। और इतना कहते ही उन्होंने मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अब मुझे भी क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आ रहा था। फूफाजी ने पिच के सारे कवर्स हटा दिए थे और पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। फूफाजी बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे थे जिसे देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। शुरू शुरू में मस्त वाला क्रिकेट खेलने में मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पर जब पिच खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई थी तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा था क्योंकि पहली बार क्रिकेट खेल रही थी। उस दिन फूफाजी ने इस नई पिच पर हर तरह के शॉट्स खेले। फूफाजी लंबी लंबी पारियां खेली जिसे देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी। रात भर उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट खेलते रहे। ने फूफाजी से कहा कि मैं अब थक गई हूँ, अब हमें आराम करना चाहिए, पर वो मानने वाले कहा थे। उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और कहने लगे कि आज हम पूरी रात क्रिकेट खेलेंगे, जब मैं घर चला जाऊंगा तो फिर तुम आराम करती रहना। दोस्तों, पहली बार क्रिकेट खेलने का आनंद ही अलग होता है। दो दिन तक उन्होंने मेरे साथ खूब मस्त वाला क्रिकेट खेला और बड़े बड़े लंबे छक्के और चौके लगाए, पर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं जल्द ही उनके पास जाने वाली हूँ। कल ही मेरे मम्मी पापा कह दिए हैं कि तुम चाहते हो कि आगे की पढ़ाई करने है और फूफा जी मदद करने वाले हैं, तो अच्छी बात है। मैं सब बातों को समझ रही थी, पढ़ाई के साथ साथ मैं क्रिकेट भी खेलूंगी। मैं जल्द ही अपने फूफा जी के यहाँ जाने वाली हूँ मस्त वाला क्रिकेट खेलने और पढ़ने। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी कहानी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।